कैथल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का हुआ चनाना गेट पर जोरदार स्वागत। नौजवान युवा हो या हो बुजुर्ग, सब में दिखाई दिया जोश। उसके काम के आधार पे सुरजेवाला के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा हलका खड़ा है। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि बिना खर्चे बिना पर्ची का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने नौजवान युवाओं को बेरोजगार रखा और बाहर विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये भाजपा सरकार तो नौकरी ही नहीं दे पा, 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हुए, हम सब ने देख लिया। वहीं आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो 2 लाख नौकरियां जो पद खाली पड़े हैं उन्हें सबसे पहले भरने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। 3 से 4% बेरोजगारी पे होता था 2014 में, आज 40% टॉप गए। मैं पब्लिक को वही संदेश देना चाहता हूँ जो आज के दिन हमारे हर एक कैथल वासी, मेरे कैथल के परिवार वालों के दिल में, वो ये बात है कि हम तंग आ गए। हमारे बच्चे कैथल छोड़ के दिल्ली, गुड़गांव, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कोई भविष्य रहता है? एमए, बीए, पीएचडी पास हमारे बच्चे चपरासी की नौकरी नहीं लग रहे हैं। जो हमारा विकास हुआ था हमारे शहर का, जो सड़कें बनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने थे, पार्क बनी थी, बिजली घर बने थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने थे, सब ठप हो गए। कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। हम सबके दिल में एक ही चीज़, एक बार फिर से हमें विकास के रास्ते पे चलना है, न्याय के रास्ते पे चलना है, सच के रास्ते पे चलना है। और वो रणदीप सुरजेवाला जी और सुरजेवाला परिवार, कांग्रेस पार्टी उस पर चल के दिखाएगी। और 5 तारीख को मैं जानता हूँ इतने बड़े मार्जिन में सब कांग्रेस के वोट देंगे कि 8 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत लेके आएंगे हम। कहीं ना कहीं नौजवान युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, क्या उनके बारे में भी सोचा जाएगा सरकार? हम तो सबसे पहले उनके बारे में ही सोच रहे हैं। कैथल और हरियाणा 3 से 4% बेरोजगारी पे होता था 2014 में, आज 40% टॉप गए। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने नौजवान साथी की होती, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मेहनती, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। ये भाजपा सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं। ये वो सरकार है जो बोलती है 15,000 हर महीने के लिए तुम जाके इसराइल चले जाओ, वहाँ जंग में लड़ लो, वहाँ मर जाओ, अपने खुद के फौज में ही ना लड़ो, जाके इसराइल में लड़ो, यूक्रेन में लड़ो। ये तो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती नहीं। मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं खुद अपने साथियों के भविष्य में के बारे में सोचूंगा, हाथ में हाथ दे के उनके साथ लड़ूंगा। लगता है कि भाजपा बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरी दे पा रही है आपको? ये भाजपा सरकार तो नौकरी ही नहीं दे पा, 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हुए, हम सब ने देख लिया। प्राइवेट रोजगार एक भी नया आया नहीं, कोई नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए, फैक्ट्री खोलने की, दफ्तर खोलने की, वो आए नहीं। जब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, हम एक नया सिस्टम बनाएंगे इस सीटी स्कैम को बदल के, सीटी के जुमले को बदल के, जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होए। जो बच्चा एग्जाम में मार्क लेकर आएगा, एक फ्री एंड फेयर एग्जाम जो लीक नहीं होता है, जिसके आंसर सही होते हैं, जिसकी मार्किंग गलत नहीं होती है, एक ऐसा फ्री एंड फेयर एग्जाम लेके आएंगे, उसके हिसाब से नौकरियां दी जाएगी। जो 2 लाख से अधिक नौकरियां खाली है उनको हम भरेंगे और नई नौकरियां भी देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।